नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले सारवा प्रखंड के गम्हरिया गांव में एक कोरोना मरीज की हुई पुष्टि। मरीज की पुष्टि होने के बाद ही जिला प्रशासन सख्ती में आया और पूरे गांव को सबों की स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से सील कर दिया गया है। वही जो मरीज है उसे आइसोलेशन वार्ड के लिए क्वारंटाइन भेज दिया गया है। वही जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी पूरे गांव के बाहर ब्रैकेटिंग लगा करके पूरे गांव को सील कर दिए हैं और नो एंट्री जोन में तब्दील कर दिया गया है। यानी कोई भी बाहर से उस गांव में ना घुस सकता है और ना ही कोई गांव से बाहर जा सकता है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्रीमती नैन्सी सहाय द्वारा जानकारी दी गई है कि सारवा प्रखंड के गम्हरिया गाँव में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की जानकारी के पश्चात उक्त व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। ज्ञात हो कि मरीज में अब तक कोरोना से संबंधित कोई भी प्राथमिक लक्षण नहीं दिख रहे हैं। साथ ही वर्तमान समय में मरीज की स्थिति बिल्कुल स्थिर बनी हुई है। इसके अलावा एहतियात के तौर पर गांव तक पहुंचने वाले हर रास्ते व चेक पोस्ट दंडाधिकारियों पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही सभी की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए गाँव को सील किया गया है। ऐसे में आप सभी से आग्रह है कि बिना पैनिक हुए जिला प्रशासन का सहयोग करना है। बताया जाता है कि देवघर जिला सारवा प्रखंड के अंतर्गत बैजपुरा पंचायत के गम्हरिया गांव के रहने वाले हैं, जो पिछले 30 मार्च को 115 लोग तीन ट्रक में सवार होकर दिल्ली से देवघर आए थे। इन सभी को देवघर गिरिडीह सीमावर्ती बुढ़ई थाना क्षेत्र के भिरखीबाद चेक पोस्ट के पास गाड़ी से उतारा गया था। उन्हें पहले बुढ़ई मध्य विद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। वहां सभी को खाना खिलाया गया। इसके बाद सभी को अलग अलग प्रखंड भेज दिया गया था। इनमें से 19 सारवा स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। उसके बाद इनमें से एक लोग बीमार पड़ गए। जब इनकी जांच कराई गई तो उनका रिपोर्ट पॉजिटिव मिला। मरीज का पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद पूरे जिला में हड़कंप मच गई। इन सभी को 14 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। रिपोर्ट आने के बाद सभी को 14 दिनों के बाद घर भेज दिया गया। जैसे ही एक का रिपोर्ट पॉजिटिव आने से फिर सभी को घर से दोबारा जांच के लिए वापस बुला लिया गया है। इन सभी का सैंपल दोबारा लेकर जांच के लिए भेजा जाएगा। तब तक सभी को फिर से 14 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा, जब तक जांच रिपोर्ट ना आ जाए। रात में देवघर में पहला पॉजिटिव कोविड केस पाया गया है। ये सारवा प्रखंड में गम्हरिया गाँव है, जहाँ एक 17 वर्षीय युवक है जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका सैंपल लिया गया था क्वारंटाइन सेंटर में जब वो रह रहे थे दौरान। इसके बाद जब पॉजिटिव सैंपल आया है तो पेशेंट है उनको हम लोगों ने डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया है, मालानीता हॉस्पिटल में। उनके जो परिवार वाले लोग हैं उनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ साथ में जो इनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं जिनसे इनसे बातचीत की गई है और इन्होंने जिनका नाम बताया है उनको भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। गांव जो है इसको पूरी तरह से सील किया जा रहा है, कंटेनमेंट जोन में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। बाहर से आने जाने में पूरी तरह से रोक रही, इवन जो ग्रामीण